देखो दोस्तों, अपन आज प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 समांतर श्रेणी पढ़ रही थी अपन कक्षा 10वीं की टॉपिक, और प्रश्नावली 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस प्रकार अपन कक्षा 10वीं का सारा सिलेबस यूट्यूब पर कराएंगे, तो जो कक्षा 10वीं पढ़ना चाहता है वह चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब तथा शेयर करें अधिक से अधिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी एपी का मतलब समांतर श्रेणी के तीसरे और नवे पद क्रमश 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये पद तीसरो यो नवो यो दे रखो कशो पद शून्य होगो यो बूझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन में स्वयं खड़े हो कि यह समांतर श्रेणी, तो आपने की तो कोई परेशानी को डायरेक्ट समांतर श्रेणी तो यह दे रखी छो, तो इसको सॉल्यूशन करना हो जाए अपन, तो शून्य होगा तो अपन को मानना पड़ेगा भाई माना एनवा पद शून्य है, माना एनवा पद शून्य है, एनवा पद शून्य मान लिया। अब लिखेंगे एनवा पद शून्य मान लिया, ये तो ज्ञात करना है, तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे अपन, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे अपन। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, यहां पर ए प्रथम पद डी सारव अंतर, एन एनवा पद डी सारव अंतर है, एन एनवा पद है, ये दे इसमें दे रखा है। अब ये कह रहा है नवा पद क्रमश 4 है, नवा पद -8 है, तो डायरेक्ट पद लिखना है अपन को, जैसे एनवा पद क्या है एन, इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा A3 ए प्लस, अपन ने एन की जगह क्या रखा 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा, 3 -1 गुणा डी। यहां पर तीसरे पद मान क्या दे रखा है 4 ए प्लस 2D, ये आ गए यहां तक, इसको समीकरण के नाम रख देते, रख दिया। इसके बाद में नवा पद लिख देंगे A3 की जगह A9, ये लिख दिया A9 बराबर प्रथम पद A9 -1 गुणा डी, A9 की जगह -8 बराबर प्रथम पद A प्लस 8D, इसको समीकरण दो नाम दे दिया। अब अपन को यहां पर क्या ज्ञात करना है एन, तो एन के लिए अपन को क्या चाहिए, एक तो ए का मान चाहिए और एक डी का मान चाहिए, तो समीकरण 1-2 में तुलना करते हैं, तो यहां से ऐसे खत्म हो जाएगा, डी का मान निकल जाएगा अगर करेंगे तो यहां पर अपन करते हैं समीकरण दो माइनस समीकरण एक, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाएंगे, बराबर -8
बराबर चार। यहां पर घटाने पर माइनस 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 खत्म। छ डी डी का मान कितना आ गया? दो। अब डी का मान समीकरण एक में रखने पर इसमें रखे तो फोर ए प्लस दो डी बराबर माइनस दो, फोर बराबर ए, दो इंटू दो माइनस चार, इसको उधर ले जाएंगे ए का मान आठ आ जाएगा। ए का मान कितना आया? आठ। अब आठ आने पर अपन ए का मान समीकरण एक में रख दे या दो में रख दे तो अपन को डी का मान मिल जाएगा। तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर यहां लिखेंगे अपन ए का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख रहे हैं ए का मान, तो चार बराबर डी बराबर आठ प्लस नहीं ए बराबर आठ टू डी। यहां से इसको उधर भेजेंगे तो डी बराबर माइनस दो, डी का मान कितना आ गया? माइनस दो आ गया। अब ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, इसका मान इसमें अपन इंप्लॉयड कर देंगे। कौन सा पद शून्य है? तो अपन ने मान रखा है कि एन वा पद शून्य है, तो एन की जगह अपन जीरो लिख देंगे। प्रथम पद ए का मान अपने निकाला आठ आया, प्लस की जगह प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन। डी का मान अपन रखेंगे तो डी बराबर माइनस टू, जीरो बराबर आठ प्लस एन माइनस वन माइनस दो, ये लिख दिया जीरो बराबर या जीरो को छोड़ दे, इसको इधर ले आई छाई एन माइनस वन गुणा दो बराबर आठ, क्योंकि दो को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो एन माइनस वन बराबर चार, तो एन बराबर फाइव। तो क्या लिखेंगे कि कौन सा पद शून्य होगा? तो एपी का पांचवा पद शून्य होगा, एपी का पांचवा पद शून्य होगा। पांचवा पद शून्य होगा, हम्म।